गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चंस की आगे की श्रृंखला में हम मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं, एग्जामिनर का एसीएफ के अंदर जो ज़्यादातर संभावना है वो या तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर आने की होगी, या क्वांटम संख्या पर होगी, या अफबाउ नियम पर होगी, या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होगी। लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरली पुरानी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इसीलिए उन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी हमें देख लेना है। अब आज का जो टॉपिक्स है उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की। तो मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि साहब क्वांटम सिद्धांत किसका है। तो क्वांटम सिद्धांत आप सबको पता है कि जो क्वांटम थ्योरी है वो मैक्स प्लैंक की है। अब मैक्स प्लैंक क्या कहता है, मैक्स प्लैंक इतनी सी बात करता है कि किसी भी स्रोत से अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या किसी भी स्रोत से ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वो लगातार ना होकर बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और इन ऊर्जा के बंडलों को क्वांटा या क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। क्वांटा तो जनरली किसी भी स्रोत के लिए कहा जाता है, और फोटोन शब्द जनरली तब बात की जाती है जब हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। जब भी सूर्य के प्रकाश की बात की जाती है तो आपको सबको पता है कौन से शब्द का यूज होता है, फोटोन का। तो वो इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि किसी भी स्रोत से, चाहे कोई सा भी सोर्स क्यों ना हो, चाहे यहाँ ट्यूबलाइट क्यों ना हो, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इससे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो वो लगातार नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, उन ऊर्जा के बंडलों को हम क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, ऊर्जा के बंडलों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर वन मैंने यही बनाया है कि ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है फोटोन, तीसरा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। तो इसका आंसर आप सबको पता है क्या जाएगा, फोटोन जाएगा, कि ऊर्जा के बंडल को क्वांटा या क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब सेकंड वो बात कहता है कि जो एक फोटोन है, आप इस चीज को ऐसे समझें कि जैसे सपोज करो कहीं बाढ़ आ जाती है, अब बाढ़ आ जाती है तो जो हेलीकॉप्टर वाला है वो खाने के पैकेट्स डालता है, तो बस उसी तरीके से आप अजम्पशंस करें कि मैक्स प्लैंक कह रहा है कि किसी स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है, इन ऊर्जा के बंडलों को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फिर वो कहता है कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है, और आप सबको पता है कि वो फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, E बराबर क्या है, hν। E बराबर hν वाला जो ये फॉर्मूला है ये तब अप्लाई होता है जब वो हमसे एक फोटोन की ऊर्जा की बात कर रहा है। अगर वो आपसे कहे कि मान लीजिए 5 फोटोन है, मुझे उनसे ऊर्जा निकालने की बात की जाए, तो सीधी सी बात है E बराबर hν की जगह फॉर्मूला क्या लगेगा, E बराबर nhν लगेगा, और यहाँ n फोटोन की संख्या है। मान लीजिए वो आपसे कहता है 5 फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो आप यहाँ लगाओगे E बराबर n की जगह 5, 5hν। तो एक फोटोन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लगता है E बराबर hν, और n फोटोन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाता है, E बराबर nhν। इस बेसिस के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी आवृत्ति निम्न दी गई है। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, यहाँ एक फोटोन की बात नहीं कर रहा वो, बल्कि किसकी बात कर रहा है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा निकालने की बात कर रहा है, और 1 मोल का मतलब आपको पता है अवोगाड्रो संख्या के बराबर फोटोन मुझे दे रखे हैं, 6.023 × 10³ फोटोन दे रखे हैं, उनकी मुझे क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो फॉर्मूला तो E बराबर hν ही लगेगा, लेकिन यहाँ n की जगह आप को पता है कौन सी संख्या आ जाएगी, अवोगाड्रो संख्या आ जाएगी, 6.023 × 10³ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास 1 मोल फोटोन की क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। दूसरी चीज, आपको पता है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, तो E बराबर hν और E बराबर क्या होता है, hc/λ होगा। यदि n फोटोन की ऊर्जा पूछी जाएगी तो इसको n से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, मैक्स प्लैंक यही कहना चाह रहा है कि किसी भी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार ना होकर बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है, और इन ऊर्जा के बंडलों को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब इस बेसिस के ऊपर, ये तो थ्योरेटिकल बात हुई, अब इस बेसिस के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन नंबर 1। जनरली मैं आपसे कहूं इस पर 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं,
एक तो आपसे दो फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात पूछता है, वो जैसे क्वेश्चन नंबर दो, वो ये कह रहा है कि एक फोटोन है उसकी ऊर्जा E1 है और उसकी तरंग दैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। एक दूसरा फोटोन है जिसकी ऊर्जा E2 है, उसकी तरंग दैर्ध्य 16000 एंगस्ट्रॉम है, तो दोनों फोटोन की ऊर्जाओं के बीच में क्या संबंध है? तो आप खुद सोचें, एक मुझसे ये कह रहा है कि दो फोटोन हैं, इनकी ऊर्जाओं के बीच में संबंध निकालना है कि किसकी ऊर्जा कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर दो देखें, 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के विकिरण की ऊर्जा E1 है, एक फोटोन है जिसकी ऊर्जा E1 है और उसकी तरंग दैर्ध्य मुझे कितनी दे रखी है, 8000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा फोटोन जिसकी ऊर्जा क्या है, E2 है और उसकी मुझे तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है, 16000 एंगस्ट्रॉम। वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है कि E1 व E2 के बीच में आपस में क्या संबंध है, E1 और E2 के बीच में क्या संबंध है। तो आपको पता है E1 अपॉन E2, E1 बराबर हम लगाएंगे SC अपॉन लैम्डा 1, E2 बराबर क्या लग जाएगा, SC अपॉन लैम्डा 2। सीधी सी बात है, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, H प्लैंक नियतांक है, कुछ ना दे तो लाइट एनर्जी की बात की जाती है और लाइट एनर्जी का मतलब प्रकाश का वेग 3×10^8, 3×10^8, SC से SC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहोगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इस बेसिस पर कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है। दो फोटोन की ऊर्जाओं के बीच में संबंध पूछा जाता है, दो फोटोन की ऊर्जाओं के बीच में संबंध पूछा जाता है, दोनों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, तो उस समय फॉर्मूला क्या लगता है, E1 अपॉन E2 बराबर क्या, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। यहां मुझे लैम्डा 2 कितनी दे रखी है, 16000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 1 कितनी दे रखी है, 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो E1 अपॉन E2 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 2/1। तो हम ये कह सकते हैं E1 किसके बराबर आएगा, 2E2 के। इस तरह का क्वेश्चंस इस पर आता है, इस तरह का क्वेश्चंस एग्जामिनर ने कई बार पूछा है, बशर्त ये जो एंगस्ट्रॉम जो तरंग दैर्ध्य है इसकी वैल्यू अलग अलग कर देता है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पहले नीट में आया है कि 2000 व 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले दो फोटोन है, उनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वही E1 और E2 के बीच में रिलेशन पूछता है, तो आंसर क्या आता है, 2:1। तो E1 और E2 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या आएगा, E1 बराबर क्या आएगा, 2E2। ये इसका आंसर है, चार ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन ये मिलेगा, E1 बराबर किसके है, 2E2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें हम, हाईएस्ट थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन सकता है, आपसे क्या कहा जाएगा, एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाएगा, कुछ ना दे तो हम ये मानेंगे कि हमसे एक फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है। अभी मैंने आपसे कहा जब भी एक फोटोन की ऊर्जा निकालनी होती है तो उस समय जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या लगता है, E = hν, या दूसरा फॉर्मूला क्या लगता है, E = क्या लगता है, SC/λ। तो हाईएस्ट इस बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकता है और क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी बेसिस पर बनाया गया है। मैंने आपसे कहा है कि आपको फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, यहां H की वैल्यू मुझे किसके अंदर दे रखी है, प्लैंक नियतांक की वैल्यू अर्ग सेकंड में। ध्यान रखें एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि साहब प्लैंक नियतांक की आप यूनिट बताएं, तो देखिए प्लैंक नियतांक की यूनिट पूछ रहा है, ये भी प्लैंक नियतांक की यूनिट निकालनी है। एनर्जी की यूनिट आपको पता है जूल में ले सकते हैं, MKS पद्धति में और CGS पद्धति में किसके अंदर ले सकते हैं, अर्ग में। आवर्ती 1/T इधर चला जाएगा, तो जो प्लैंक नियतांक है उसकी जो यूनिट होती है या तो जूल सेकंड होती है या उसकी यूनिट क्या होती है, अर्ग सेकंड होती है। अब यहां मुझे क्वेश्चन से अंदर फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, वैल्यू के अंदर आप देखें H का मान 6.6×10^-27 अर्ग सेकंड। खुद ही सोचें ये MKS पद्धति है या CGS पद्धति, तो अर्ग सेकंड का मतलब CGS पद्धति है। देखें जो वेलोसिटी है प्रकाश का वेग है वो मुझे मीटर पर सेकंड की बजाय किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और लैम्डा मुझे कितनी दे रखी है, 3000 एंगस्ट्रॉम। जब मैं इन सब वैल्यूज को पुट करूं तो देखें मुझे पता है एनर्जी निकालनी है, क्योंकि सारी यूनिट्स जो है ये जो सारी की सारी यूनिट्स किसके अंदर है, CGS पद्धति में है, तो इस स्थिति में मेरा आंसर अर्ग के अंदर आएगा। H का मान मुझे दे रखा है 6.6×10^-27 अर्ग सेकंड, प्रकाश का वेग 3×10^10 मीटर पर सेकंड, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 3000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 3000×10^-10 मीटर,
इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि सीजीएस यूनिट है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 20, उसमें से चला गया तो 10 की पावर कितना रह जाएगा, या यहीं से सॉल्व कर ले 1, 2, 3, 4, 5, ये रह गया 10 की पावर माइनस 5, और ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 10 की पावर माइनस 5 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15 हो जाएगा, तो 6.6 × 10 की पावर माइनस 12 आर्गन आंसर आएगा। ये इस टाइप का थर्ड नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है। ठीक, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 4, इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो देखेगा चांद पर एक क्वेश्चन नंबर 4 और बनता है वो देखें। अभी तक मैंने बताया कि मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर पहला क्वेश्चन ऊर्जा के बंडलों को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में मैक्स प्लैंक पर क्या करेगा, आपसे दो फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात पूछेगा, दोनों की अलग अलग तरंगदैर्ध्य दे रखी होगी। तीसरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू का फॉर्मूला या ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा का। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देखें ये क्वेश्चन, एक 100 वाट का एक बल्ब है जो 400 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दिमाग में सोचें, एक 400 वाट का बल्ब है, ध्यान रखें या बल्ब की जो शक्ति है, शक्ति और 400 वाट है। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए शक्ति क्या है, शक्ति का मतलब है कार्य करने की दर। कहने का मतलब यह है, जैसे अभी जो नया यूथ होता है, आप जैसे नए यूथ हो तो आप में काम करने की दर ज्यादा है तो हम कहते हैं आप में शक्ति ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं काम करने की दर कम हो जाती है, इसीलिए आपके अंदर शक्ति भी कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। इसीलिए शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, पी बराबर सबने पढ़ा होगा W/T। शक्ति की एक यूनिट तो होती है वाट और दूसरी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। अगर मैं कहूं कि बल्ब 400 वाट का है तो इसका मतलब यह है कि यह एक सेकेंड में आपको 400 जूल ऊर्जा देता है। 100 वाट का बल्ब है तो इसका मतलब ये आपको एक सेकंड में कितनी ऊर्जा देता है, 100 जूल की ऊर्जा। तो यहां पर हमें शक्ति दे रखी है 100 वाट का बल्ब पी। ये कह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और अब आपको पता है मैक्स प्लैंक क्या कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या किस रूप में होता है, फोटोन के रूप में, और वो आपसे कह रहा है उस फोटोन की जो लैम्डा है वो 400 नैनोमीटर है, 400 × 10⁻⁹ - 9 मीटर, और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या है। खुद ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचें, वो ये कहना चाह रहा है 400 वाट का बल्ब है, उसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है और ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित की जा रही है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है एक सेकंड में उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी। इस समय जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो आप सबको पता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पी बराबर Nhυ या पी बराबर NhC/λ। यहां पी शक्ति है, एन क्या है प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, एच प्लैंक नियतांक है, सी प्रकाश का वेग है, और जो लैम्डा है वो आप सब जानते हैं जो भी फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य है। यहां पर हमें बल्ब की शक्ति कितनी दे रखी है, 100 वाट, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या एन पूछ रहा है, प्लैंक नियतांक 6.6 × 10⁻³⁴, क्यों, क्योंकि यहां वाट जूल पर सेकंड में है तो इधर भी यूनिट किस में आएगी, जूल पर सेकंड में। प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸, और लैम्डा का जो मान मुझे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो दे रखा है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का मतलब 400 × 10⁻⁹ - 9 मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जो भी एन है वो फाइंड आउट कर लोगे। बस आज की क्लास में इतना ही, आगे जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर हम एक क्लास के अंदर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और एक क्लास में श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे अवबहु के नियम की, और उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटम सिद्धांत की। ध्यान रखें ACF पर्पस से या FRO पर्पस से जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर का जो ध्यान रहेगा वो या तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर रहेगा। अभी लगातार जो 2 साल फर्स्ट ग्रेड होती आई उसके अंदर उसने लगातार श्रोडिंगर तरंग समीकरण को अलग अलग तरीके से पूछा है कि इनमें से श्रोडिंगर तरंग समीकरण कौन सा है। साथ ही साथ इसके अलावा क्वांटम सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, एन का मान दे दिया जाएगा
आपसे उपकोशों की संख्या, कक्षकों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस तरह के क्वेश्चन या आवाऊ के नियम पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं, या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्वेश्चन आना है, ध्यान रखें। और मेरा आप स्टूडेंट से ये कहना है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, सर के पढ़ाने की तकनीक पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी लगातार आपको क्लास और क्वेश्चन देता रहूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।